क्या हाल है सभी के, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। माय नेम इज गोकुल छाबड़ा एंड आई एम श्योर आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यार मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सीयू सीईटी से रिलेटेड एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास आ रही है। यार यहाँ पे सुन पा रहे हो तो थम्स अप करो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काफी डिटेल में डिस्कशन करते हैं, जितना भी यार आपका एकेडमिक्स पोर्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, उसकी एंट्री कैसे होने वाली है, उसके एंट्रेंसेस कैसे होने वाली है और आपकी कॉलेज जर्नी कैसे रहने वाली है, उसको स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे यार आया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। आई एम श्योर बात बिल्कुल समझ आ रही है, आई एम श्योर मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है। हाय आर्यन, हाय एपी गुप्ता। हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंट नोटिफिकेशन हमारे पास क्या आ रही है। सीयू सीईटी के बारे में एक रिसेंट नोटिफिकेशन निकाली है, हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं यार, उन्होंने एक फाइनल नोटिफिकेशन निकाली है। उन्होंने बोल रखा है टाइम्स ऑफ इंडिया को कि यस सीयूसीटी एग्जाम इज गोइंग टू टेक ऑफ, वो लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, सिलेबस क्या होने वाला है, अभी तक हमें नहीं पता। बट आपको जैसे ही इस चैनल पे नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यार, वो आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो यार आपका ये सारा का सारा निकालेगी, जो भी आपके नीट होते हैं, जेई होते हैं और आप सीयूसीटी भी एनटीए ही निकालेगी। कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका, राइट उसके बारे में यस सीयूसीटी होने वाला है। बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे होने वाला है, यस होने वाला है। उसके बारे में मैं एक प्रूफ लेके आया हूं, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको एमबीए की लैंग्वेज में। आई एम करंटली परसुइंग माय एमबीए फ्रॉम एमडीए गुड़गांव, तो इसको इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। कि सर जो आप बात बोल रहे हो हमें समझ आ रही है, बट इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये कितना लेजिटिमेट सोर्स है, तो उसके बारे में भी यहां पे डिस्कशन करने में आया हूं। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही समझ आ रहा है। हाय केशव, क्या हाल है सभी के। सेशन को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ए टू जेड एंट्रेंस रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली है। एंट्रेंस रिलेटेड आईपीएम हो गया, सीयूसीटी हो गया, बीएमएस हो गया, डीयू जैट हो गया। डीयू जैट होगा भी नहीं होगा इस बार पता नहीं। सिमिलरली यार हमारा एक चैनल है लर्न करो क्लास 11th एंड 12th, जहां पे हम 11th एंड 12th के अकेडमिक्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वहां भी आपको अकेडमिक्स की वीडियो दिखने वाली है और सीयूसीटी की ऑफिशियल वीडियोस हम वहां पे लॉन्च कर रहे हैं। सीयूसीटी की ऑफिशियल वीडियोस हम वहां पे लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। और फाइनली गोकुल छाबड़ा चैनल पे भी यार आए हो तो तुम्हारा स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेजरली यहाँ पे हम बात करते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उसके थ्रू तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने वाला है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 2020 में एडमिशन हुए थे, उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है। अब वो सेमेस्टर वन में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उन सबको यार हम गाइड करके चल रहे हैं इसी चैनल पे। तो मेरा जिम्मेदारी बनती है, जो भी तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 होने वाला है उसकी अपडेट क्या है, उसके बारे में कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं सीयूसीटी से रिलेटेड। तो जैसे जैसे कोर्सेज लॉन्च होते रहेंगे आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं, यस होगा, 100% होगा। अब स्टार्ट करते हैं, जो न्यूज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, जो अपडेट मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, वो उससे स्टार्ट करते हैं। सीयूसीटी इज श्योरली गोइंग टू हैपन। मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखा देता हूं कहां पे दिख रखा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। यार देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया का, देख लो यार टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अलग से आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू टेक ऑफ सून। यार ये 6th मार्च 12:13 12 PM के अराउंड, 2:15 के, 12:15 के अराउंड ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया था। यार इसमें हमारे अमित खड़े जी हैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन है ये। यार नीट के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन देते हैं, जेई के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया, हमारी एक 40 मेंबर कमेटी बनी थी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या क्या एस्पेक्ट इन्होंने कवर कर रखे हैं। इन्होंने हायर एजुकेशन ब्रॉडली कवर किया हुआ है। इनका जो इंटरव्यू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वो काफी It was based on a very broad horizon. इन्होंने काफी डिटेल में बातें करी हैं, बट सीयूसीटी के बारे में भी इन्होंने बीच में बात करी है, तो उसके बारे में हमारा तो यार मेन फोकस वो है कि सीयूसीटी का क्या अपडेट होने वाला है, प्लीज हमें जल्दी से बताओ। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूं, अब 40 मेंबर इंप्लीमेंटेशन कमिटी अंडर द सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन तुम्हें पता होना चाहिए कौन है, अमित खड़े जी हैं, इज मेकिंग द एनुअल प्लान्स एंड एंश्योरिंग इट्स इंप्लीमेंटेशन। जितने भी आपके एनईपी भाई साहब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जितने भी प्लान थे वो सारे के सारे 40 मेंबर कमिटी इंप्लीमेंट करने वाली है इसी साल से, बोल रहे हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए काम चल रहा है। फिर व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन प्लान फॉर 2021-22। अब यार यहाँ पे ये जो बात है ना ये बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली है, पूछो क्यों। बहुत लोग कह रहे हैं नहीं इस साल ये जो कमिंग वाला सेशन है ना इससे अपडेट नहीं होने वाला, इसमें कुछ इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये तो नॉर्मल मार्क्स बेस पर एडमिशन हो जाएंगे एंड सो एंड सो फोर्थ। तो यार लेट मी गाइड यू इन डिटेल, लेट मी गाइड यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली यार, डू नॉट
टेक दिस मिसकंसेप्शन इन योर माइंड कि 2021-22 से कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने बोल दिया भैया हम जितना भी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे वो 2021-22 से करने वाले हैं। 2022 ऑनवर्ड्स तो होने ही वाला है। अगर कोई इस समय क्लास 12th में उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, क्योंकि 2021 वो ईयर है, मैं बता रहा हूं 2021-22 एक सेशन है, वो सेशन है जहां आप कॉलेज का फर्स्ट ईयर व्यतीत कर रहे होगे, स्पेंड कर रहे होगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन आपको कब लेना है भाई साहब? 2021 में लेना है। बहुत बच्चे ड्रॉपआउट्स है, 12th के ड्रॉपआउट्स है, उनको एडमिशन कब लेना है? 2021 में लेना है। तो ये सारी अपडेट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितना उन्होंने पढ़ाया था इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, एक बार प्लीज इसको आप पढ़ लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस आर्टिकल का डाल दूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इसमें अलग से आ रखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और यही ब्रेकिंग न्यूज है, यही लेटेस्ट अपडेट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कंसिडर दिस प्ली हियर। मैं काफी रिसर्च कर रहा हूं इसके बारे में, CUCET इज श्योरली गोइंग टू हैपन। वो CUCET के बारे में इतना ज्यादा अपडेट, एक हफ्ते पहले अपडेट आया था, फिर आज अपडेट आया है, हल्के हल्के कहानी बढ़ती आ रही है। और यार हायर एजुकेशन के जब सेक्रेटरी आपको एक्सप्लिसिट बोल देना टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू कि हाँ CUCET इज ऑलमोस्ट रेडी, बोल दिया CUCET इज ऑलमोस्ट रेडी, इट विल बी कंडक्टेड बाय NTA एंड कंप्यूटर बेस्ड। नेशनल टेस्ट एजेंसी आपका कौन सा लेने वाली है? CUCET। इट इज ऑलमोस्ट रेडी, उसका सिलेबस रेडी है, पैटर्न रेडी है, बस हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। हम आगे डिस्कशन करते हैं भैया, दिल्ली यूनिवर्सिटी किसके अंदर आता है? UGC। मेजर कॉलेजेस, मेजर यूनिवर्सिटीज इन इंडिया कम अंडर UGC। UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। वो बोल रहे हैं द ओनली इशू अंडर द डिस्कशन विद द ओनली इशू इज अंडर द डिस्कशन ऑफ UGC इज द वेटेज। कि भैया वेटेज कितनी होने वाली है? पहले इस पूरे आर्टिकल को पढ़ो। द ओनली इशू आफ्टर पढ़ो, बोल रहा हूं भाई सॉरी मेरे को क्या हो गया। पहले प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड द आर्टिकल थ्रू आउट, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। एक मिनट का ब्रेक है, एक बार प्लीज इसको तुम पूरा पढ़ लो, फिर मैं एनालाइज करके बता दूं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया CUCET ऑलमोस्ट रेडी है, बट एक डिस्कशन चल रहा है, एक डिबेट चल रही है। डिबेट किसके बीच में? UGC के बीच में और NTA के बीच में। इन शॉर्ट जो अथॉरिटीज, ये जो 40 मेंबर कमिटी की, पहले 7 मेंबर कमिटी की बात होती थी ना, अब 40 मेंबर कमिटी बैठ रही है और वो कह रही है CUCET तो रेडी है भाई साहब, CUCET तो ऑलमोस्ट रेडी है, हम बस वेट कर रहे हैं एक हाँ की, एक नॉट की। नॉट मतलब हाँ भाई जा सकते हो, यू कैन मूव अहेड। वी आर वेटिंग फ्रॉम द UGC साइड, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हम वेट कर रहे हैं कि वेटेज कितने होने वाली है एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपका वेटेज कितने होने वाली है? CUCET के अंदर वेटेज कितने होने वाली है? क्लास 12 की वेटेज कितने होने वाली है? देखो आगे पढ़ो। इफ द वेटेज ऑफ CUCET इज केप्ट हाई देन स्टूडेंट्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्कूल एग्जाम। देखो यार लाजमी सी बात है, अगर CUCET के बारे में बोल दिया, हाँ जो भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जामिया इस्लामिया, JNU, ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज, एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस स्कोर, बट उसका वेटेज कितना होगा? एक DU JAT करके, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यार जॉइंट एडमिशन एक टेस्ट होता है, उसमें यार वेटेज होती है कि आपका 60% जो है वो गिना जाएगा जो आपका DU JAT के मार्क्स होंगे, 40% आपका एकेडमिक्स क्लास 12 का गिना जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कुछ ऐसे ही वेटेज वो लेके आने वाले हैं। वो इंश्योर करते हैं कि आप सारा का सारा फोकस एक एग्जाम पे मत डाल दो, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। सिमिलरली बोल रहे हैं अगर CUCET की वेटेज अगर हाई होगी ना, तो यार ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन क्लास 12। तुम्हारा हाल वही साइंस स्टूडेंट वैसा हो जाएगा, भैया हम तो जा रहे हैं कोटा पढ़ने, हमें IIT निकालनी है, हमें स्कूल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। नहीं, स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा क्लास 12 के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में अगर तुम्हें प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो ढंग से, तो तुम्हें कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के अच्छे अच्छे क्लासेस आपको लर्न करो, क्लास 11 एंड 12 में मिल रही होंगी, राइट? Even Delhi University is thinking on those lines and looking into how much weightage should be given to class 12. देखो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल रखा है, इसी पर्पस से मैं इस चैनल पे आया हूँ, तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2021 बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। क्लास 12 के मार्क्स मैटर करेंगे, CUCET मैटर करने वाला है, वेटेज क्या हो गया इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इस बारे में है, यहां से लेके सारा का सारा यहां तक, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लो। जितना समझाना था मैंने समझा दिया है। भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लुक कर रही है कि हम क्लास 12 के वेटेज कितने रख रखे हैं, सिमिलरली CUCET की वेटेज कितनी रखे हैं, जिसके बेस पे एडमिशन होने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 में। बहुत लोग कह रहे हैं भैया मेरा तो एम है SRCC, मेरा एम है हंसराज कॉलेज, मेरा एम है रामदास कॉलेज, अरे पर उनमें एडमिशन कैसे होने वाला है ये किसी को पता है? नहीं, ये नहीं पता हमें।
और तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, जैसी नोटिफिकेशन आएगी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे ए टू जेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं अपडेट लेके आ रहा हूँ और बहुत जल्दी हमारा यार एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, एक बैच और लेके हम आ रहे होंगे, सुपर 50 एक और बैच लेके आ रहे होंगे, जिसमें आपका CUCET के बारे में प्रिपरेशन आप वहां पे कर सकते हो। विद क्लास 12th, within class 12 also different boards have different levels of giving marks, so what will be the system of normalizing is something that has been worked out. CUCET will only be for undergraduate programs, jo bhi bcom ba bsc jitne bhi tum undergraduate programs ki baat kar rahe ho, all over india central universities ki baat kar rahe ho, unke liye CUCET hone wala hai, post graduate ke liye CUCET nahi hoga, unke admissions waise hi chalne wale hain jaise pehla chala karte the. ये सारी की सारी नोटिफिकेशन है, फिर उन्होंने काफी और डिटेल में इन डेप्थ दे भी रखा है, काफी डिटेल में बात कर रखी है, भैया 4-year प्रोग्राम जो हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसेंटली चेंज आया है, फिर एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल पास होना है उसके बारे में डिटेल में दे रखा है, बट अभी जो क्लास 12 में स्टूडेंट्स है सिर्फ उनके बारे में फोकस कर रहे हैं, जो आफ्टर क्लास 12 एंट्रेंसेस एग्जाम देने वाले उनके बारे में फोकस कर रहे हैं। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लीज इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम श्योर आई एम द फर्स्ट वन हेयर टू डिस्क्राइब द होल सिनेरियो कि अभी CUCET के बारे में क्या रिसेंट अपडेट आई हुई है यार, मेरी और मेरी पूरी टीम तुम्हारा एप्टीट्यूड कंटेंट बनाने में काम कर रही है यार, प्लीज मेरी बात मानना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़े रहो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद एक कैड एस्पिरेंट हूं, आई एम करंटली परसुइंग माय एमबीए फ्रॉम एमडीए गुड़गांव, टॉप नॉच कॉलेज है यार, टॉप 10 कॉलेज ऑफ इंडिया में आता है, तो अगर मैं इतना लेवल ऑफ रिसर्च के बाद तुम्हारे पास ये न्यूज लेके आ रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो दम है, और तुम्हें मेरे पर भरोसा करके चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट लेके आने वाला हूं CUCET के लिए, तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, इस सेशन को लाइक करो, स्टूडेंट्स में बता दो कि हम CUCET के बैच में पढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन तैयारी हो सकती है, तुम्हारे पास रेगुलर जितना भी है तुम्हारा सिलेबस आने वाला है, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग मोस्टली तुम्हारा यही सिलेबस आ रहा होगा और कुछ जनरल अवेयरनेस भी आ रहा होगा। वर्बल एबिलिटी की क्लासेस हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे स्टार्ट कर दी है और लर्न करो क्लास 11th एंड 12th पे स्टार्ट कर दी है। लर्न करो क्लास 11th एंड 12th का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। वर्बल एबिलिटी की क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं, उनकी कुछ फ्री वीडियोस हैं, उनका पेड वर्जन भी है, आप एनरोल कर सकते हो कोर्सेज के अंदर। मैंने तुम सबको अपना नंबर दे रखा है 6397662212। CUCET की जिस दिन नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले मैं तुम्हारे पास एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं सिलेबस लेके आ रहा हूँ, अपडेट्स लेके आ रहा हूँ, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। अगर क्लास 11th और 12th की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो मेरे साथ तो प्लीज करना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, ये सिलेबस था, ये पूरा का पूरा अपडेट थी सिलेबस का, हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, हम वेट कर रहे हैं, जैसे आएगा इस चैनल पे आपको मिल रहा होगा। आई एम श्योर बात समझ आ रही है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, प्लीज अपने क्वेरीज लिखना शुरू कर दो। यस होगा भैया, होगा 100% होने वाला है CUCET। मैंने पूरा का पूरा अभी जो तुम्हें डिटेल समझाया है, एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया है जिसमें हायर एजुकेशन में तुम्हें एक जिस्ट दे देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हायर एजुकेशन सुन लो, हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है अमित खड़े जी, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि हाँ CUCET इज ऑलमोस्ट रेडी, हमारा तो CUCET रेडी हो चुका है। मैं तुम्हें क्रक्स में बता रहा हूं, दो मिनट सुन लेना, CUCET हमारा ऑलरेडी हो चुका है, हमने तो एक रिकमेंडेशन भेजी है, कहां भेजी है, यूजीसी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में। वो बताने वाली है कि जितने भी आपके यूजीसी के अंदर जितने भी कॉलेजेस लाए करते हैं, एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी भी यूजीसी के अंदर लाए करता है, उनके अंदर कैसे एडमिशन होने वाले हैं, कितनी वेटेज क्लास 12 के मार्क्स को दी जाएगी, कितनी वेटेज CUCET को दी जाएगी। राइट, हाय आदित्य कैसे हैं आप, क्लास 12 में बहुत बढ़िया, मेरे को कनेक्ट करो 6397662612। 6397 मैं अपना नाम नंबर लिखता हूं, 6397662612। मैं वहां पे आपसे CUCET से रिगार्डिंग ए टू जेड बात कर रहा हूँ, आप मेरे से वहां पे डायरेक्ट क्वेरी पूछ सकते हो, आप मेरे को वहां पे व्हाट्सएप चैट कर सकते हो। राइट, हमारी खुद की एप्लीकेशन है लर्न ग्रो द लाइव लर्निंग ऐप, उस पे CUCET का ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसमें हमारा एप्टीट्यूड हम करवा रहे हैं। हमारे पास कॉन्क्रीट सिलेबस नहीं आया, कॉन्क्रीट स्टडी मटेरियल नहीं आया, पर यार तुम्हें जितना जल्दी तुम प्रिपेयर हो सकते हो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मेरी मानना, ये कोई फेक न्यूज नहीं है, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर अमित खड़े साहब बोल रहे हैं CUCET तो ऑलमोस्ट रेडी है हमारे पास। अब आते हैं, हमने क्या बात करी पूरे सेशन में, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमने पूरे सेशन में क्या बात करी, CUCET होने वाला है, इट इज ऑलमोस्ट रेडी, अमित खड़े साहब ने बोल दिया, अमित खड़े जी ने ऑलरेडी बोल दिया। अमित खड़े कौन है, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी है, वो कह रहे हैं हम तो एक नॉड का वेट कर रहे हैं, यस वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द यूजीसी, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए, मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, तो क्लास 12 के कितने मार्क्स मैटर करने वाले हैं, CUCET के मार्क्स कितने मैटर करने वाले हैं। अब इन दोनों की वेटेज मैटर करने वाली है, इन दोनों की वेटेज कितनी होगी, मान लो क्लास 12 की रख दी 50%, CUCET की रख दी 50%,
मान लो क्लास 12 की रख दी 30%, सीयूसीटी की रख दी 70%, तो भैया कहोगे ना तुम यार क्लास 12 पे, क्लास 12 की वेटेज तो 30% है, मैं क्यों पढ़ूं? तो वो ही डिस्कशन चल रहा है, ये सारे रिपरकशंस, क्या ऑप्टिमल वेटेज होनी चाहिए इन दोनों कंपोनेंट्स की, क्लास 12 के एग्जाम्स की और सीयूसीटी के एग्जाम्स की, क्या ऑप्टिमल वेटेज होनी चाहिए, उसके बारे में बात चल रही है, उसके बारे में हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको इस चैनल पे ए टू जेड अपडेट आ रही होगी। जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई अपडेट मिसिंग है, कोई न्यूज नहीं आई है, तो आप मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर चेक कर सकते हो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे सर नहीं आपने ये वाला पॉइंट कवर नहीं किया, मैं आपके लिए स्पेशल लाइव सेशन लेके आ रहा हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ यार, आई एम करंटली परसुइंग माय एमबीए फ्रॉम एमडीए गुड़गांव। इंडिया का नंबर वन जो एग्जाम होता है यार एप्टीट्यूड लेवल का, वो होता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। वो जब हम फोड़ के आए हुए हैं यार, तो हम समझ सकते हैं एप्टीट्यूड लेवल को। तैयारी करने के लिए फ्रॉम द बेस स्टार्ट करना पड़ता है, ये नहीं कि मैंने दो महीने में तैयारी हो गई और मैं निकल गया भाई अच्छी अच्छी जगह निकल गया। तो उस केस में आपको जो है ना तैयारी थोड़े से बैकड्रॉप में थोड़ा सा बेस लेके करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बेस लेके करनी पड़ेगी। आई एम श्योर आप मेरे से जो भी लोग पूछ रहे हैं सर बैचेस कब से स्टार्ट है, सीयूसीटी कैसे होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है 6397662212 पे मेरे को कनेक्ट कीजिए, हम आपस में डिस्कशन कर रहे होंगे। हमारी वर्बल एबिलिटी की ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, लॉजिकल रीजनिंग करवा रहे हैं और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। प्लीज मेरी बात मानना, इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, कोई भी क्वेरी आप मेरे को बता सकते हो। सीयूसीटी होने वाला है, मैं आखिरी बार एक स्टेटमेंट बोल के जा रहा हूं, सीयूसीटी होने वाला है। क्लास 12 के मार्क्स भी मैटर करेंगे तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कंसीडर ही कर रहा है यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कह रहा है कि सर हम तो क्लास 12 के मार्क्स भी लेंगे, सीयूसीटी के मार्क्स भी लेंगे, पर इन दोनों की वेटेज क्या होने वाली है उसका हमें वेट है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा एनटीए तुम्हारा एग्जाम दे रही होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसे कैट एग्जाम होता है वैसे ही आपका मल्टीपल जितने भी मैनेजमेंट लेवल के एग्जाम होते हैं या जितने भी एमबीए लेवल के एग्जाम होते हैं वो सारे कंप्यूटर बेस्ड पे होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ये नहीं कि तुम घर पे बैठे ऑफलाइन अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम होता तो ऑनलाइन है बट तुम्हारा एक सेंटर आता है, तुम्हारा एक सेंटर आता है जहां पे तुम्हें जाना होता है और तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। मेट्रोपॉलिटन में लगता है मोस्टली सेंटर, जैसे मेरा कैट का सेंटर रिसेंटली रुड़की में लगा था, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरा कैट का सेंटर रुड़की में लगा था। सिमिलरली दिल्ली में मैंने टेस्ट दे रखे हैं, काफी यार मॉक टेस्ट हमने दे रखे हैं और तुम्हें एप्टीट्यूड लेवल के एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, अपना बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जिन लोगों के पास अभी तक इंग्लिश नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो उनके लिए यार वर्बल की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, सिमिलरली आपका वोकैबुलरी की क्लासेस इसी चैनल में आपके पास आ रही होंगी। राइट केशव, मैं लिंक अभी अपडेट कर देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, घबराने की बात नहीं है। ये लो सबसे पहले मैं लिंक ही डालता हूँ यार, ये रहा लिंक, ये लो जी लिंक, ये मैंने अभी कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी, आज का सेशन हम यही रख रहे हैं। सीयूसीटी 2021 इज लॉन्चिंग सून और हम कोर्स लेके जल्दी आ रहे होंगे इसके ऊपर कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे कैसे मॉक्स देने हैं, किस कितना बेस बना के चलना है। मान लो तुम कैट लेवल का नहीं पढ़ना, तुम्हें आईपीएम लेवल का नहीं पढ़ना, तुम्हें उससे थोड़ा छोटा लेवल का पढ़ना है। क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या क्या कोर्स स्ट्रक्चर होगा, कैसे कैसे तुम्हें एग्जाम देने, कैसे कैसे तुम्हें फॉर्म फिल करने हैं, वो सारा का सारा तुम्हें इस चैनल पे मिलने वाला है, मेरे थ्रू मिलने वाला है। मेरा नाम गोकुल छाबड़ा है, अगर आप मेरे को जानते नहीं हो, माय नेम इज गोकुल छाबड़ा एंड आई ऑलरेडी टेक क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th। हमारी पूरी टीम है लर्न करो टीम, हमारा स्टार्टअप का नाम है लर्न करो यार, लर्न करो एक पूरी टीम है जो 11th और 12th को इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के ऊपर हम मेनली फोकस करते हैं। पर This particular course is not exclusive to only commerce and humanities student. ये science वालों के लिए भी बना है, जो JEE NEET की preparation कर रहे हैं, but eventually जो end up करने वाले हैं Delhi University के अंदर या जितनी भी central universities के अंदर अगर तुम admission लेने का सोच रहे हो, तो ये exam तुम्हारे लिए अव्वल है भैया, तुम्हारे लिए बहुत important है। Class 12 के marks के ऊपर तो तुम्हें focus करना ही करना है, CUCT के ऊपर भी अब तुम्हें focus करना है। तुम्हारा मेंटल लेवल इंक्रीज किया जा रहा है, मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करी जा रही है। अगर मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है ना, तो तुम्हारे थॉट प्रोसेस में बहुत इवॉल्वमेंट आता है, बहुत चेंज आता है, तो मजा आएगा। जो भी होने वाला है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, जल्दी मुलाकात होगी, बाय बाय। इस सेशन को यार लाइक करो या डिसलाइक करो, मेरे को फीडबैक दो कि ये सेशन कैसा था। अगर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मैंने पहुंचाई हो तो आई एम रियली सॉरी, पर मेरे को बताओ, मेरे को करेक्ट करो। तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक मैं डाल दूंगा, मेरा फोन नंबर है, मेरा एप्लीकेशन का या लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे सीयूसीटी का ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में जाके आप देख भी सकते हो। सिमिलरली एक और चीज है यार, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ आपको क्या क्या अपडेट चाहिए, कैसे कैसे मॉक्स चाहिए, क्या आपको हेल्प चाहिए, आप कौन से कोर्स लेने का सोच रहे हो, किसी और प्रिपरेशन, क्या आप क्लास 12 के बाद कोई और प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 12 के बाद जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को या तो लाइक करो या डिसलाइक करो, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, जल्दी मुलाकात होगी, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आज 6th मार्च है,
फोड़ दो, दिखा दो दुनिया को भैया हाँ जान है तुम मेरे अंदर, जितना भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना वर्थ इट है, लगे रहो ठीक है ओके।